हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लेंसेक्ट नामक इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी को मोबाइल ऐप्स के बारे में बताता हूं। आज मैं ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी गाड़ी का व्हीकल नंबर डालकर, उसका जो नेम प्लेट में नंबर है उसे डालकर उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं कि इस गाड़ी का ओनर कौन है। कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी जगहों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, या फिर कई हमें ऐसे व्हीकल्स मिलते हैं जिनका अननोन ओनर होता है और संदिग्ध लगती हैं, और चीज़ का पता करने के लिए एक ऐसा ऐप बताने वाला हूं मैं जिससे आज आप उसके व्हीकल के ओनर के बारे में जान सकेंगे। तो मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूं उस ऐप का नाम है कार इन्फो। कर लेते हैं इसको प्ले स्टोर में ओपन। तो ऊपर हमें टाइप करना होगा CARINFO कार इन्फो। कार इन्फो लिखने पे ये ऐप ओपन होके आ जाता है। अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने इस ऐप के बारे में वीडियो बनाने का सोचा। इसका रेटिंग आप देख सकते हैं, 4.7 की रेटिंग है और इसे 293,000 लोगों ने रिव्यू किया है। उसके अलावा 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें नीचे दिखाए हुए कुछ फीचर्स, उनको देख लेते हैं। ये थे इसके कुछ फीचर्स। बिना देर किए कर लेते हैं इस ऐप को ओपन और किसी व्हीकल का नंबर डाल के चेक करते हैं उसके बारे में डिटेल। तो ऐप हो रहा है ओपन। RC लाइसेंस, चालान एंड मोर लगता है इसमें सारा, इससे रिलेटेड भी डिटेल। ये हो गया ऐप ओपन। ये मांग रहा है कुछ परमिशन लोकेशन का, जो हमने दे दिए। ऊपर आ रहा है व्हीकल ओनर सर्च, तो व्हीकल ओनर सर्च करके देखते हैं। हम कोई भी गाड़ी नंबर डालते हैं, RJ14TV8769 डाल के देखते हैं। ये हमारी गाड़ी का नंबर है, इसमें क्या सर्च होके आता है देखने के लिए थोड़ा वेट करते हैं। ये हो चुकी है ओपन। यह है मेरे फादर का नेम, राजेंद्र प्रसाद, ओनर से फर्स्ट ओनर, सारा कुछ इसमें डिटेल आ चुका है। जिसमें ये भी है कि आपका कौन सा मॉडल है, कौन सा मोटर कैब है, क्या इंजन नंबर है, सारा डिटेल आ गया है। चेक चालान, चेक प्राइस, इसमें प्राइस तक भी चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस रही है। उसके अलावा कितना इस गाड़ी को एज हो गया है, व्हीकल को एज हो गया है, कार को एज हो गया है, ये हम देख सकते हैं। क्या कलर है, तो इसमें इतनी सारी डिटेल आ गई, काफ़ी सारी, जिसमें हम सारा कुछ चेक कर सकते हैं। RTO का फ़ोन नंबर भी आ गया है, जिससे हम इस गाड़ी का RTO में कॉल करके बता सकते हैं। जैसे हमें कई बार कोई मानो अननोन व्हीकल, संदिग्ध व्हीकल मिल जाए, तो हम उसका नंबर से ओनर का मालूम करके उसका जो RTO लगता है उसमें कॉल करके उसके बारे में डिटेल और निकाल सकते हैं। तो ये था इसका खासियत। उसके अलावा और देख लेते हैं और क्या फीचर्स हैं। उसके बाद नीचे से नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन आता है चालान सर्च, तो चेक कर लेते हैं कि किसी भी RC या TL ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल के कि उसके नाम पे कोई चालान है या नहीं। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी इन्फो यहाँ मिल जाती है, बॉट से और लाइसेंस नंबर, जो हमें लाइसेंस नंबर चेक करना है तो डिटेल डाल के मिल जाएगी। रिसेल वैल्यू कैलेंडर, उसके अलावा जयपुर राजस्थान जो मेरी लोकेशन है उसमें पेट्रोल डीजल का क्या भाव चल रहा है ये मिल जाता है। उसके अलावा फ्यूल प्राइस अगर चेक जो होती है तो यहाँ अलर्ट डाल सकते हैं, जिससे हमें अलर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद सेकंड नीचे ऑप्शन आता है बाइक का, कि हम बाइक का भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बाइक है। तो हम देख लेते हैं एक बार चेक करके, ये बाइक का रेट का आ जाता है कि इस समय बाइक की क्या प्राइस जयपुर में चल रही है, उससे रिलेटेड ये आ गया। यहाँ कार्स का भी देख सकते हैं, कार्स की क्या प्राइस चल रही है। न्यूज़ का भी देख सकते हैं, क्या व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे तो बेहद अच्छा लगा और इस ऐप को मैं अपने फ़ोन से कभी हटाऊंगा नहीं। तो आप लोग भी कर लें इस ऐप को इंस्टॉल, और मैं तो कहूंगा ये ऐप होना चाहिए सभी के फ़ोन में इंस्टॉल। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के भी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।